Kalang Box Office Collection Day 4. Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. कलंक ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से काफी कम कमाई की है। फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। अभिषेक वर्मन की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक को चौथे दिन बड़ा झटका लगा है। आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जैसे मेगा स्टार्स के बावजूद इस फिल्म से ऑडियंस खुश नहीं दिखाई दे रही है। शायद इसी का नतीजा है पहले दिन बम्पर कमाई करने के बाद दूसरे दिन से इस फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है। वहीं अब चौथे दिन इस फिल्म की कमाई का ग्राफ काफी नीचे गिर चुका है। वीकेंड पर कलंक की कमाई बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी, जबकि इसकी कमाई घटती गई। चौथे दिन यानी कि सैटरडे को कलंक ने करीब 15 करोड़ के आसपास कमाई की। हालांकि ये कलेक्शन फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन से काफी बेहतर है। तीसरे दिन कलंक ने 11 करोड़ की कमाई की थी। सबसे ज्यादा इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर कमाए थे। ओपनिंग डे कलेक्शन में कलंक ने अक्षय कुमार की केसरी और रणवीर सिंह की गली बॉय को भी पछाड़ दिया। 17 अप्रैल को रिलीज हुई कलंक 2019 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है और इस फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ रुपए कमा लिए थे। फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है। अब इंतजार करना होगा रविवार की कमाई के कैलकुलेशंस का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।